मित्रों वक्त तो याद होगा ना? नहीं याद है? अरे वही फिल्म जिसमें राजकुमार ने कहा था, चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। शायद चर्चित फिल्मकार अनुराग कश्यप ने कभी इस डायलॉग की ओर ध्यान ही नहीं दिया, वरना वे समझ जाते कि दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबा में भी झांक लेना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से अनुराग कश्यप CA और NRC के विरुद्ध मुखर रूप से मोर्चा संभाले हुए हैं। इसके लिए वे PM मोदी के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान देने से भी नहीं हिचकिचाते। हाल ही में अनुराग कश्यप ने CA के लागू होने पर ट्वीट किया, हमारे ऊपर CA लागू करने वाले PM की डिग्री इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस देखनी है मुझे, पहले साबित करो पहले कि मोदी पढ़ा लिखा है, फिर बात करेंगे -CA। हालांकि इस बार कुछ लोगों को अनुराग का आपत्तिजनक बयान रास नहीं आया। भाजपा के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने अनुराग को उनके बयानों के लिए आड़े हाथों लेते हुए कहा, मोदी जी अमित शाह जी और योगी जी से नफरत की वजह तो समझिए, पिटी फिल्मों पर भी जनता की गाड़ी कमाई उड़ाते हुए बटने वाली सरकारी भीख और पेंशन की बख्शीश BJP सरकार आते ही बंद हो गई, फिर क्या, मुफ्त घोरों में नफरत तो भड़कानी ही है। इसके साथ ही उन्होंने कई पत्र प्रकाशित किए जिसमें अनुराग कश्यप ने UP सरकार से कथित तौर पर अपनी फिल्म मुक्काबाज और सांड की आंख के लिए डोनेशन हेतु आवेदन किया था। इसके साथ ही अनुराग कश्यप के समाजवादी पार्टी से संबंध पर भी प्रकाश डालते हुए शलभमणि त्रिपाठी ने एक अलग और बेहद ही चुटीला ट्वीट पोस्ट किया, जहां वे लिखते हैं, पिटी हुई फिल्मों के लिए सरकारी भीख ना मिली तो अनुराग कश्यप कुंठित होकर गाली गलौज पर उतर आए। कुछ सरकारें इनकी फ्लॉप फिल्मों पर भी करोड़ों देती थी, यश भारती के पेंशन की शहद भी चटाती थी, योगी जी ने मुफ्त की पेंशन बंद कर पैसा गरीबों विधवाओं किसानों में बांट दिया, यही चिढ़ है इनकी। सच कहे तो शलभमणि त्रिपाठी ने अनुराग कश्यप का वो पहलू उजागर किया है जो वे पूरी दुनिया से छुपाते फिर रहे हैं। 2016 में आई रमन राघव 2.0 के बाद से अनुराग कश्यप अभी तक एक भी सफल फिल्म नहीं दे पाए हैं, चाहे वो निर्माता के तौर पे हो या निर्देशक के तौर पर। बतौर निर्देशक उन्होंने मुक्काबाज, मनमर्जिया जैसी फिल्में की हैं, जबकि निर्माता के तौर पर उन्होंने दासदेव, भावेश जोशी सुपरहीरो, सांड की आंख जैसी फिल्में दी हैं। सांड की आंख को छोड़ दे तो किसी भी फिल्म ने भारत में 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई नहीं की है। वेब सीरीज और OTT प्लेटफॉर्म की ओर भी अनुराग कश्यप ने ध्यान दिया, परंतु सेक्रेट गेम्स के पहले संस्करण को छोड़ दे तो उन्हें यहां भी असफलता ही हाथ लगी है। अनुराग कश्यप ने शलभमणि त्रिपाठी के आरोपों का खंडन करते हुए ट्विटर पर सफाई देने की कोशिश की, परंतु अपने पहले ही ट्वीट में वे सफेद झूठ बोलते पकड़े गए। भाजपा के दोहरे मापदंड को उजागर करने के प्रयास में अनुराग कश्यप ने ट्वीट किया, ट्वीट दोबारा कर रहा हूं क्योंकि पिछले में एक प्राइवेट नंबर था। फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम है जिसके लिए मुझसे ज्यादा किसी ने इंटरनेशनली यूपी के लिए नहीं किया है। सिनेमा में योगी सरकार के दौरान मसान के लिए फिल्म बंधु में सब्सिडी 2 थी। अरे अनुराग भैया, शराब के नशे में ट्वीट करना कंपलसरी नहीं है। एक तो सब्सिडी दी थी के बजाय सब्सिडी 2 थी लिख दिए, उसके ऊपर से मसान की रिलीज डेट भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिए। मसान 2015 में जून माह में प्रदर्शित हुई थी, जिसके लिए अनुदान 2014 में मिला था। उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लोकसभा सांसद थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, जो उस समय समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव थे। अपने मालिक की खुशामद में ऐसे सफेद झूठ बोलना तो कोई अनुराग कश्यप से ही सीखे।